हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं जा रही हूँ खटलगढ़ महादेव और मैं वहाँ की वीडियो दिखाती हूँ आपको कि कैसा है वहाँ पर नदी किनारे। वहाँ पर महादेव का मंदिर है तो मैं बताती हूँ आपको। चलो चलते हैं। तो मैंने अभी ले लिया है एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए और उसमें रखा है मैंने भांग भोलेनाथ में चढ़ाने के लिए। और अब रख रही हूँ थोड़ा सा माचिस, थोड़ी सी माचिस रखूंगी और धूप रखूंगी। अब चलते हैं मंदिर। परसों तो हूँ मैं। ये रहा सीमल का पेड़। ये बहुत पुराना पेड़ है, कम से कम तकरीबन मेरे ख्याल से जब हम बच्चे थे उससे कई पहले का। ये रहा डांगो। ये हमारा स्कूल का रास्ता है सारा। और वो रहा कोलरी। पहले यहाँ पे बिल्कुल पतला सा रास्ता था लेकिन अब यहाँ पे सारी सड़क बन चुकी है। और ये यहाँ के गौशाले हैं, छन्नी। ये रहा आम का पेड़। बचपन में हमने इससे बहुत सारे आम तोड़े हैं। ये रहा तलाई गांव। यहाँ पे प्याज वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे पहले, अब तो पता नहीं लेकिन अब मिल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्याज लाते थे हम। और ये सीधे इसके नीचे है नदी। और ये ऊपर हो गया घनश्याली। यहाँ सब जगह से हमारे साथ स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे। और ये रहा हमारा रास्ता पैदल का। अब तो यहाँ पे सड़क आ गई है और एक नीचे मंदिर भी है। पैदल रास्ता मतलब सड़क उधर चली गई और हम गए अपने पुराने रास्ते पे जहाँ से हम स्कूल जाते थे। ये आ गया पुराना रास्ता। और ये सड़क सीधे जा रखी है कोलरी घनश्याली होते हुए, शायद है ना मीनू, घनश्याली होते हुए कोलरी जा रखी है। और ये हम सारा, ये रहा हमारा पुराना रास्ता। ये अब हम पुराने रास्ते पे आ गए हैं लेकिन अब यहाँ पर भी पत्थर लग गए हैं। पहले पत्थर नहीं लगे थे यहाँ पे, सारे पत्थर लगे हैं यहाँ पे भी। और वहाँ पे है एक मंदिर लेकिन मैं गई कभी नहीं हूँ इस मंदिर में, लेकिन ये शायद यहाँ डांगू वाले वाले लोगों का ही है मंदिर। ये रहा बड़ा सा आम का पेड़। इसके नीचे हम आराम से जब स्कूल से आते थे तो ये बिल्कुल ठंडा रहता था, यहाँ पे बैठे रहते थे। आम इस पे कम आते थे लेकिन हम इसके नीचे बैठने, इसने हमें छाया बहुत दी है पहले से ही और अब तक भी दे ही रहा है। यहाँ पे दिन में आओ तो बहुत ठंडा महसूस होता है। नीचे से, यहाँ नीचे से दोबारा से सड़क मिल चुकी है। थोड़ा बीच में रास्ता था, अब यहाँ से दोबारा सड़क चालू हो गई है। ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, बिल्कुल गुफा के अंदर, जैसे वैष्णो माता के वहाँ, यहाँ भी गुफा के अंदर है। ठीक एक पत्थर के नीचे है। और नीचे भोलेनाथ का मंदिर, बिल्कुल बहुत पुराना मंदिर है ये भी। और यहाँ पे इतना अच्छा है, देखो बिल्कुल खुला खुला सा है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ठंडक सी रहती है। स्कूल जाते टाइम हम यहाँ से बिल्कुल हमेशा हाथ जोड़ कर जाते थे। और यहाँ पे भंडारा भी होता है तो कई बार हम यहाँ स्कूल से आते टाइम पहले भंडारा खाते थे फिर घर जाते थे। ये रहा यहाँ पे होता है हवन, पहले नहीं था लेकिन ये अब नया बनाया है, मतलब काफ़ी टाइम तो हो गया है, हमारे टाइम पे ही बन गया था लेकिन ये काफ़ी लेट बना था। तो यहाँ पे हवन होता है जब महायज्ञ होता है यहाँ पे भी बहुत बड़ा। और देखो मीने धतूरा से ना, देखो ये रहा भोलेनाथ के सामने धतूरे का पेड़। और यहाँ पे पंडित
अतिथि भी रहते हैं कभी कभार। और अब चलते हैं नदी की ओर। नदी 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 नदी, यहाँ स्कूल से हम यहाँ आते थे पानी पीने। स्कूल में कभी कभार पानी नहीं आता था तो हमें यहाँ आना पड़ता था पीने। ये बिल्कुल मस्ती में झूम रही है यहाँ पे। हेलो, तो देखो यहाँ पे है पानी। यहाँ पे हम आते थे पानी पीने। ये देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं सेमल। तो इसको कभी सर दर्द होता है तो इसको सर में रखो तो आपका सर दर्द होता है। क्यों मतलब इसमें सेमल ही बोलिए। ये देखो बिल्कुल फिसलन वाला होता है, ये मस्त होता है। इसको सर में रखते ही आपका सर इतना ठंडा हो जाएगा, क्या बताऊँ। और यहाँ पे आते थे हम पानी पीने बहुत बार, ऊपर से नीचे। और अब हम डालेंगे ऊपर पीपल के पेड़ में, वहाँ पे शनि देव का भी मंदिर है और वहाँ पे डालेंगे पानी। तो यहाँ पे हो गया है पानी। हम यहाँ से चलेंगे ऊपर। ये जब पहले टाइम में जब बारिश होती, जब बारिश होती है ना, इसका पानी बिल्कुल यहाँ ऊपर तक आ जाता है। तो बिल्कुल ऊपर आता है, इतना गहरा, मतलब यहाँ ये पानी यहाँ आधा मंदिर तक, यहाँ आधा मंदिर तक यहाँ पे पानी ही पानी रहता है। इस टाइम पे बहुत डर लगता है यहाँ पे, बिल्कुल खतरनाक। वो ऊपर जो है मेरा स्कूल है, लेकिन आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कभी वो दोबारा आऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी स्कूल भी। स्कूल बड़ा सा स्कूल है, वहाँ पे भी हेलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब हम जा रहे हैं घर, तब तक के लिए बाय।